Thank you so much. Sophie, I love you. मेरी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं, मैं खुल के बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर से मैं बड़ा कमीना हूं. मैं ऐसा ही हूं थोड़ा सा. मैं मीका का कॉमेडी वर्जन हूं. मीका खुल के बोलता है, मैं भी खुल के बोलता हूं. हमारी आदत है, हम लोग दो तरह के होते हैं पंजाबी लोग, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं हम लोग. एनीवेज, आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुने जिमा में. आजकल जो गाने आ गए हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, मैं ये नहीं कहता हूं ये गाने बुरे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब हम लोग दूर दराड शहरों में शोज करने जाते हैं जहां पे 20,000 की ऑडियंस आई रहती है, और 20,000 में से 18,000 लोग पी के आए हैं, उनको कोई पता नहीं स्टेज पे कौन खड़ा है, क्योंकि दो पैग लगे हुए हैं, भगवान से तार जुड़े सीधे. सोनू निगम स्टेज पे खड़े हैं, फरमाइशें कैसी होती हैं, सोनू निगम खड़े हैं और उनको आगे बोल रहे हैं, उदित नारायण चलो आशा भोसले जी का गाना सुनाओ लता जी की आवाज में. जगजीत जी को हम लोग हमेशा अपने घरों में सुनते हैं, वो कभी गए नहीं यहाँ पे और हमें देख रहे हैं वो, और मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि होगी उनको. मैं चाहता हूँ कि जगजीत जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार. मैं कोशिश करूंगा उनकी इमिटेट करने की, लेकिन कहीं गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगे वो फील आए तो मैं तालियां चाहूंगा बाद में. गजल के कुछ वर्ड्स जो होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, तो गजल सिंगर जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये वर्ड क्या था बेसिकली, लेकिन कई के बार इतने सिंपल वर्ड होते हैं लेकिन उनको आदत पड़ चुकी होती है कि करने करना है परफॉर्म. फिर क्या करते हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ख्याल मतलब थॉट. जो सामने लोग बैठे हैं वो भी, अच्छा ख्याल मतलब थॉट, हमें लगा समोसा. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा. बीच में एक शराबी खड़ा हो गया, अरे जी ठीक है, ख्याल आया हुआ आपको, मैं मना नहीं करता हूं, मुन्नी बदनाम हो गई पता चला. विद ड्यू रिस्पेक्ट, जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो कैसे होते. अभी श्रेया, श्रेया मुझे पता नहीं आपको किस बात का गुस्सा मेरे पे, लेकिन जवान लड़की है, खूबसूरत है और इतना अच्छा गाती है, हर कोई चाहेगा शादी करना श्रेया से. मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरी बहन की तरह तुम. मैं जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो. मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शीला भी जवान हुई मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शीला भी जवान हुई मेरे लिए. शुक्रिया. ये जो मुन्नी है बचपन से ही बड़ी गुन्नी थी, सारे मोहल्ले को पता था ये मोहल्ले का नाम रोशन करेगी. एक बार मुन्नी के लिए जोरदार तालियां. अच्छा, हर एक सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है, जैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब हैं, वो जब गाते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार बड़ा स्पा में बैठे हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं और उनके पांव दबाए जा रहे हैं, वहां पे गाना गा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई,
हे यहाँ से तू चल मैं आई हे हे तू चल मैं चाहूंगा एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां बड़े हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड हैं गुलाम अली साहब का गजल गाने में कोई सानी नहीं है लेकिन जब गजल गाते हैं बड़ा मजा आता है लेकिन जब बीच में नॉर्मल बातें करते हैं ना वो नहीं समझ आती अंदाज अपने देखते हैं अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो जब नॉर्मल बातें करते हैं ये गजल एक मैंने जहाज में बड़ा गंभीरता किया इसके गंभीरता मैंने जहाज की करते तो मैं क्या कह सकते हैं ऐसे दिल किया सुनाने को सोनू निगम इतने प्यारे सिंगर हैं शक्ल से भी प्यारे हैं कपड़ों से भी प्यारे हैं पेमेंट से भी तो काफी प्यारे हैं अच्छा उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट है जब भी वो गाते हैं तो उनके गाने में एक कुदरती मेलोडी आ जाती है चाहे वो गाना मेलोडी वाला हो भी ना सपोज नभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी इनके गाने को सुन के देखिए ये लगता है कि ये कुछ ना सॉफ्टी खाते खाते गा रहे हैं इनको मतलब आप कोई भी बीट सॉन्ग दे दो उसको भी रोमांटिक बना सकते हैं सपोज फॉर एग्जांपल अजीत ठाकुर साहब कभी आप बुलाते नहीं मुझे अपने शो में लेकिन टैलेंटेड बहू तो मैं अगर सोनू निगम साहब ऐसा गाना बोले कहती पू पू मेरा कहती चू चू मेरा कहती पू पू मेरा पू पू हरिहरन साहब बहुत बड़े सिंगर हैं हरिहरन साहब को किसी ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में बुला लिया और तो हरिहरन साहब हमेशा लुक चेंज करते हैं 3 महीने बाद क्वार्टरली उनका होता है उन्होंने चोटी रखी हुई है दाढ़ी रखी हुई है और सामने पंजाब पुलिस का एक डीएसपी बैठा हुआ है जिसको कोई लेना देना नहीं वो गाने सुनता है लेकिन उन्होंने शक्ल नहीं देखी हुई तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं शुक्रिया सामने डीएसपी बोल रहा है अपने कांस्टेबल को ये कौन है भाई साहब कहता सर ये हरिहरन साहब है नहीं हरि कौन ये हरिहरन साहब है ये चीर हरन तो सुना हरिहरन कौन हुआ हरिहरन साहब को किसी ने कहा कि आप मुन्नी शीला टाइप क्यों नहीं सुनाते कि ये सुनाइए अब डीएसपी साहब सुनना चाहते हैं हरिहरन साहब कहते कि मैं तो ये गाने गाता नहीं भाई मेरा ये फोटे नहीं और ना मैं गाना चाहता हूं वो पुलिस वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं उन्होंने पिस्तौल निकाला कहते साहब को गाना तो पड़ेगा अब हरिहरन साहब क्या कर रहे हैं मुन्नी रे देरी कहां गई चुन्नी रे आजा रे आके दे जा जरा चुम्मी रे सबसे लास्ट में अनूप जलोटा साहब मुझे लगता था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जलोटा साहब को कहो उनको जानते होंगे भगवान शायद क्योंकि इन्होंने इतने भजन गाए अनूप जलोटा साहब कहीं पे तो भजन गा रहे थे उनका स्टाइल कैसा है आपको बताइए
है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर अनूप जी इस तरीके का गाना गाए, है मुन्नि वो है मुन्नि वो जो जंडू भाम का लेपन किया करे, शीला वो है जो जवान हो के भी अकेली जिया करे, शीला मुन्नी से नहीं शोभा है डांस की, है डांस जिसमें टांगों का प्रदर्शन किया करे। ला 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 ला। तू मेरी फैंटासी, तू मेरी फैंटासी, तू मेरी फैंटासी, तू मेरी फैंटासी, अब जवां हो गई। ला 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 ला। मैं चाहूंगा कि इन सब लेजेंड्स के लिए एक बार जोरदार तालियां।